जिसका बेटा 6 दिन से सुरंग में फंसा हो उस पिता पर क्या बीत रही होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। कैसा ही पिता अपने बेटे को बचाने उत्तरकाशी की सुरंग तक आ पहुंचा। उस पिता ने पाइप के जरिए बेटे से बातचीत की और जी न्यूज के जरिए आप सभी से उस पूरी बातचीत को हम साझा कर रहे हैं। सिलकैरा टनल में 40 लोग अभी फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसी टनल के अंदर जो 40 लोग फंसे हैं, जो 40 कर्मचारी इस टनल में काम कर रहे थे, उनमें से एक 22 साल के मंजीत भी हैं, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं और उनके पिता और उनके चाचा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि इतना लंबा इंतजार हुआ, कब यहाँ पर पहुंचे और सबसे पहले अपना नाम बताइएगा सर। चौधरी। तो चौधरी साहब, आप लोग कब यहाँ पर पहुँचे हैं, कब आपको सूचना मिली? कल आए थे यहाँ। अच्छा, 12 तारीख को सूचना मिल चुकी थी घर पर। हाँ, तो आप कल, बहुत लंबा वक्त लग गया और बाहर नहीं आए, इसलिए आपको लगा कि अब जाकर देखना चाहिए? यही बात, हाँ यही सर, हमने कहा कि आना तो जरूरी था। हाँ, तो मंजीत से आपकी बात हुई, आप अंदर गए अभी वहाँ पे जो बात करा रहे हैं, बात तो कर कल बात हुई थी सर जी। कल बात हुई थी, पाइप द्वारा बात हुई थी। हाँ, हाँ तो कह रहा था हम यहाँ ठीक हैं, स्वच्छ हैं, पिताजी खटका मत करना। हमने कहा इधर से कि बेटे हिम्मत रखना, हम आ गए हैं यहाँ, इंतजार कर रहे हैं, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना मेरी ये है सब बाहर आ जाएं, सबके माँ बाप को तसल्ली पहुँचे। वही टनल में फंसी जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद चल रही है, तो इस बीच टनल में फंसे लोगों के परिवार वालों की चिंता भी बढ़ने लगी है। बिहार के रहने वाले वीरेंद्र भी बीते 6 दिन से टनल में फंसे हुए हैं, परिवार का सब्र अब जवाब दे चुका है। उनकी पत्नी, बड़े भाई और भारी अपना सामान लेकर सीधे बिहार से उत्तरकाशी टनल साइट पर आ पहुंचे। खींच लाई है हम लोग को, चिंता ही खींच लाई है। अब इतना दिन हो गया, हम लोग यही सुन रहे हैं कि डेली बात हो रहा है और काम चल रहा है, तो अभी तक काम क्यों नहीं पूरा हो रहा है? जी, मेरा नाम रजनी टुडू है। रजनी जी, चिंता आप लोगों को जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा हो रही होगी, घर पे समय बिताना मुश्किल हो रहा होगा। चिंता तो होगा। कुछ अभी तक आपको खबर मिली? खबर तो नहीं मिला है, कहा जो बात नहीं हुआ है तो कैसे खबर मिले। यहाँ से कोई सूचना आप लोगों को दी गई थी? यहाँ से आप लोगों को कोई अधिकारी ने सूचना दी थी आप लोगों को? हाँ, सूचना तो दी थी। उत्तरकाशी में टनल में फंसी जिंदगियों को बाहर सुरक्षित निकालने के रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच देहरादून में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत ताला अधिकारी मौजूद रहे। एसीएस राधा रतूड़ी ने अधिकारियों से पूरा अपडेट लिया और कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन बेहतर तरीके से चल रहा है, जल्द ही टनल में फंसे सभी 40 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। तो वहीं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर कार्यकारी अधिकारी डीआईजी राजकुमार नेगी ने बताया कि तमाम टीम रेस्क्यू के काम में लगी है, जल्द से जल्द सभी लोगों को निकाल लिया जाएगा। एसडीआरएफ के नेगी जी ने मुझे जो अपडेट दिया है उस हिसाब से अब वो मशीन सही प्रकार से काम कर रही है और व्यवस्थित तरीके से रेस्क्यू का पूरा काम हो रहा है। इसमें कहीं भी कोई लापरवाही या जल्दबाजी नहीं दिख रही है, इसको व्यवस्थित तरीके से करना है। सभी मजदूर सकुशल हैं, उनसे बातचीत भी हो रही है, उनको पानी, ऑक्सीजन, खाना भी भिजवाया जा रहा है पाइप के थ्रू, और जैसे ही ये मशीन पूरी तरह से वहाँ पहुँचेगी उनका रेस्क्यू का काम शुरू हो जाएगा। अभी जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जिस तरह से ये अभी चल रहा है वहाँ पे, तो बहुत व्यवस्थित, बहुत प्लान्ड वे में, ताकि जल्दबाजी इसमें ना हो कोई, क्योंकि जैसे आप लोगों को मालूम है कि वहाँ पे मलबा भी गिरने के चांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए मशीन को, जो ऑगर मशीन है, उससे पूरी प्रॉपरली, पूरे सिस्टमेटिकली उसको पुश किया जा रहा है, ताकि टाइमली उनको निकाला भी जा सके और साथ साथ में ऑक्सीजन, मेडिसिन, खाने की, वो भी उसका भी बैकअप उनको दिया जा रहा है। आपदा कंट्रोल रूम सचिवालय में इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। अगर ठीक सामने आप देखेंगे तो आप देखिए एसीएस राधा रतूड़ी यहाँ पर तमाम अधिकारियों से जानकारी ले रही हैं। आपदा सचिव के अलावा तमाम आपदा से जुड़े हुए अधिकारी इसमें मौजूद हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। ठीक सामने की ओर अगर आपको दिखाऊँ तो आप देखिए एक स्क्रीन है जिसमें इस वक्त जो काम चल रहा है
सिलक्यारा में टनल में जो काम किया जा रहा है उसको देख रहे हैं। ये लाइव देखिए आप, जो सिलक्यारा टनल में जो काम किया गया है, जो काम वहाँ चल रहा है, उसको पूरा मॉनिटर यहाँ पर ACS राधा रतूड़ी कर रही हैं, और वो तस्वीरें सामने की वीडियो स्क्रीन पे, वीडियो वॉल पे आपको पूरी तरीके से नज़र आ रही हैं। ACS राधा रतूड़ी ये भी जानने के लिए आई है कि हमारा बैकअप प्लान क्या है, इस जो टनल में जिस तरीके से ड्रिलिंग की जा रही है उसके बाद अगर मजदूरों तक टीम पहुँच जाती है तो फिर उनको बाहर किस तरीके से लाया जाएगा, मेडिकल की टीमें कौन मौजूद रहेंगी, किस तरीके से आगे ले आया जाएगा, ये आप पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनके भोजन, उनके पानी और ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं किस तरीके से की जा रही है, जो परिजन आए हैं उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे कहा था जो भी लोग अंदर फंसे हैं उनके परिजन अगर आते हैं तो उनको किसी भी तरह से परेशानियाँ ना हो, उनको सहायता दी जाए। ठीक सामने की वॉल पर अगर एक बार आपको फिर से दिखाऊँ तो आप देखिए इन तस्वीरों में किस तरीके से जो रेस्क्यू हो रहा है, ये वो 900 mm के पाइप हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं, इन्हीं पाइप को डालने के लिए तमाम काम चल रहा है। आप इन तस्वीरों में अगर देखेंगे तो ठीक सामने जो ड्रिल का काम चल रहा है उसको ACS वॉच कर रही हैं, यहाँ तमाम लोगों के साथ बैठ रही हैं। ये आपदा कंट्रोल रूम का वॉर रूम है जिसमें तमाम अधिकारियों के साथ ACS मौजूद है। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके के निर्देश दिए थे उसके बाद इस कंट्रोल रूम में, इस वॉर रूम में तमाम लोग बैठ कर ये प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकाला जाए है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि आज का दिन इस पूरे अभियान के लिए महत्वपूर्ण है, और ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर जो जो काम अब तक किए गए हैं उसे लेकर पूरे अधिकारी, इसमें NDRF के अधिकारी है, ITBP के अधिकारी हैं, इसके अलावा उत्तराखंड SDRF की टीम है, तो ये सारी टीम ब्रीफ कर रही है कि अब तक क्या कुछ किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, देहरादून।